हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर बाई सूरजमल राठौड़ क्लासेज में हिंदी साहित्य का टॉपिक जो आज नया टॉपिक है हमारे लिए छंद, इसकी आज हम जो पहला भाग है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी साहित्य की साहित्य होता क्या है। साहित्य वह सामग्री है जो हमारे वाणी के साथ प्रस्तुत की गई समग्र सामग्री, जिसको हम साहित्य कहते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर मैं बात करूँ कि उदाहरण की बात करूँ तो एक जो समुद्र होता है पूरा विस्तृत होता है कि जिसकी गहराई उसकी सीमा नहीं नाप सकते वह अथाह होता है, उसी प्रकार से हम साहित्य की कोई सीमा नहीं नाप सकते, यह साहित्य भी अथाह होता है। उसी साहित्य के भाग में आज हम छंद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और छंद के जो इतिहास है उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और इतिहास से जाने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं ऋग्वेद की। क्वेश्चन आता है यह कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो उत्तर रहता है हमारा ऋग्वेद। कि ऋग्वेद है वो संस्कृत साहित्य का या फिर उसका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। और इसी जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के अंतर्गत जो हमारा छंद शास्त्र है उसका अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऋग्वेद में या छंद शास्त्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उत्तर रहता है दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त यानी पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र या 9वें सूत्र में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके बाद में बात करें कि यह प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, या फिर दूसरे शब्दों में बात करें कि छंद शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो उत्तर रहता है छंद शास्त्र ग्रंथ। यह ग्रंथ आचार्य पिंगल ने लिखा था। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ की बात करेंगे तो ऋग्वेद होगा, और छंद के विषय में बात करेंगे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ होगा वो छंद शास्त्र होगा, जिसकी रचना आचार्य पिंगल ने की थी। इस वजह से छंद शास्त्र को दूसरा नाम होता है पिंगल शास्त्र। पूछा जाता है परीक्षा में कि छंद का या छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या होता है, तो होता है पिंगल शास्त्र। तो इसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने छंद शब्द दिखाई दे रहा है, इसकी सबसे पहले व्याख्या करते हैं कि छंद शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। छंद शब्द में छंदस धातु और अशून प्रत्यय लगा हुआ है। छंदस धातु और अशून प्रत्यय लगा हुआ है, यह तो हो गई धातु और यह हो गया प्रत्यय। वे शब्दांश किसी धातु या मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर अशून प्रत्यय है जिसका शेष रहता है ए, और उसके बाद में जो छंदस धातु है मूल धातु उसका अर्थ ये होता है कि अपनी इच्छा से चलना या करना। छंदस जो मूल धातु है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपनी इच्छा से चलना या फिर करना, और अशून प्रत्यय है और जिसका अंतिम बचता है ए। और इसके बाद में क्वेश्चन ये रहता है कि छंद जो शब्द लिखा है हमारे सामने इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मित्रों छंद का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर आह्लादित करना, आह्लादित करना। दूसरा होता है प्रशस्त करना। तीसरा होता है कामना या फिर आकांक्षा कह सकते हैं। और इसके बाद में आच्छादित करना या फिर ढकना, एक की बात है। और एक अर्थ होता है इसका बांधना। छंद जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर होता है आह्लादित करना, प्रशत करना, कामना आकांक्षा बांधना और आच्छादित करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। छंद शब्द में मूल धातु होगी छंदस जिसका अर्थ अपनी इच्छा से चलना, और अशून प्रत्यय लगा हुआ है जिसका अंतिम शेष रहता है ए। इसके बाद में बात की थी हमने कि यह जो छंद है छंद शास्त्र
यह सबसे छंद के विषय में बात करेंगे तो प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके रचयिता या लेखक आचार्य पिंगल है। इस वजह से इस छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात छंद शास्त्र का दूसरा नाम हो गया पिंगल शास्त्र। और बात करें कि यह तो हो गया छंद शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? पूरा जो हमारा साहित्य है उसका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर रहता है हमारा ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और छंद है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद शास्त्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त, और 90वें सूक्त होता है पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र या 9वें सूत्र में सर्वप्रथम उल्लेख छंद का मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त, जो पुरुष सूक्त है, के 9वें मंत्र में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन एक इस प्रकार से भी आता है कि छंद के प्राचीन या फिर आद्य गुरु कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहता है ब्रह्मा जी को छंद के आद्य गुरु या मूलतः गुरु माना जाता है। छंद शास्त्र के आद्य गुरु ब्रह्मा जी को माना जाता है। और छंद का आद्य शास्त्र कौन सा है? छंद शास्त्र। और हमारा पूरा शास्त्र है उसका आद्य शास्त्र कौन सा है? ऋग्वेद है। ये सभी क्वेश्चन अलग अलग से हैं। इसके बाद में बात करें तो कि वर्गीकरण से पहले हम छंद की परिभाषा देखते हैं कि छंद होता क्या है। हमने अभी तक सामान्य इसके बारे में जानकारी, शाब्दिक अर्थ, इसका विभाजन किस प्रकार से किया। इसके बाद में परिभाषा की बात करूं तो कि क्या होती है परिभाषा। परिभाषा में यह रहता है मित्रों कि ऐसी रचना जिसमें गति हो, यति हो, लय हो यानी तुक, मात्रा और दल, चरण और पाद, और उसके बाद में गण, इन सभी को नियम पालन करने वाली रचना को हम छंद कहते हैं। क्या कहा हमने कि ऐसी रचना जिसमें गति, यति, लय, जिसका दूसरा नाम तुक होता है, मात्रा, पाद या चरण या दल या गण इत्यादि नियमों को पालन करने वाली रचना को हम, इन नियमों का जो पालन करने वाली रचना है उस रचना को हम कहते हैं छंद। तो परिभाषा ये होती है कि ऐसी सामान्य रचना जो यति, गति, लय, मात्रा, पाद, दल, चरण और गण आदि के नियमों को पूरा करती हो, वो रचना छंद कहलाती है। ये मित्रों हो गई परिभाषा। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, इनका वर्गीकरण बाद में देखेंगे कि गति क्या होती है, यति क्या होती है, लय क्या होता है, मात्रा, पाद, चरण, दल और गण, इनकी बात करेंगे। उसके बाद में हम छंदों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर गति, कि गति क्या होती है। ऐसी छंदबद्ध रचना जिसमें स्वरों का उतार चढ़ाव हो, ऐसी छंद की रचना जिसमें स्वरों का उतार चढ़ाव हो, ऐसी रचना दोहा या सोरठा बोला जाता है। तो हमें कई बार अपनी वाणी को ऊपर ले जाना पड़ता है, कहीं वाणी को नीचे दबाना पड़ता है, यही उतार चढ़ाव है। ऐसे ही आरोह अवरोह को हम गति कहते हैं, आरोह अवरोह को गति कहते हैं, कि ऐसी रचना जिसमें उतार चढ़ाव हो उसे हम गति कहते हैं। दूसरा हमने जिक्र किया था यति का, दूसरा जिक्र हमने
यति का जिक्र किया था कि होती क्या है यति, कि ऐसी छंदबद्ध रचना जिसमें जो हमारी गति थी, जो उतार चढ़ाव था, स्वरों के अंदर उतार चढ़ाव था, उन स्वरों के उतार चढ़ाव में जहाँ भी हम रुकते हैं, थोड़ा सा विराम देते हैं, जहाँ थोड़ा सा ठहराव लेते हैं, उसी ठहराव को हम यति के नाम से जानते हैं। कि ऐसा छंद जहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, अपनी वाणी में ठहराव लाते हैं, अपनी वाणी में विश्राम लाते हैं, उस विश्राम को ही यति कहते हैं। मुख्य रूप से किसी भी रचना में जब अल्प विराम और पूर्ण विराम का विराम चिन्ह लगा हो तो वो मान लेते हैं कि यति होती है। इसके बाद में तीन नंबर पर बात करते हैं, हमारी जो लय होती है, तुक होती है, उसको देखते हैं कि क्या होती है लय या तुक। छंद की ऐसी रचना जहाँ पर पहले की तीसरे के साथ और दूसरे की चौथे के साथ जो अंतिम स्वर है उसमें समानता पाई जाना ही तुक होती है। कि जब सौरठा छंद होता है वहाँ पर पहले की तीसरे के साथ जो स्वरों का जो क्रम रहता है वो एक जैसा ही रहता है। जब स्वरों का जो अंतिम स्वर होता है, मान लो ए आया है तो तीसरे में भी ए आएगा, इस प्रकार से दोनों में समानता रहना ही तुक होती है। इसी प्रकार से पहले और तीसरे की स्वरों में समानता और दूसरे की चौथे के साथ अगर स्वरों में समानता है उसे ही हम लय या तुक कहते हैं। कि हमने जाकर बोला कि जाए दूसरे के अंत में और चौथे के अंत में बोला आए, तो आए और जाए अंतिम मात्रा य के साथ ए आ रहा है, य के साथ ए आ रहा है, तो वो स्वरों की समानता ही क्या कहलाएगी, लय कहलाती है। क्वेश्चन आगे ये होता है कि मात्रा किसे कहते हैं। तो दोस्तों मात्रा हम कहते हैं कि जिन भी स्वरों को उच्चारण करने में या बोलने में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। कि जिन स्वरों को हम बोलते हैं और बोलने में जो भी हमारा समय लगा है वह समय ही मात्रा कहलाता है। और हमारे पास हिंदी वर्णमाला में जो मात्राएं होती हैं वो 11 मात्राएं होती है, ए आ ए ए उ उ रे ए आई ओ औ। ये स्वर की 11 मात्राएं होती है और इन मात्राओं को बोलने में लगने वाला समय है वही मात्रा कहलाती है। जो स्वर हमने लिखे हैं यहाँ पर इनको बोलेंगे, जैसे कि जिसको कम समय लग रहा है वो छोटी मात्रा हो जाएगी, जिनको बोलने में कम अधिक समय लगता है वो बड़ी मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार से अब मात्रा को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, पहली मात्रा जिसका नाम होता है लघु, लघु मात्रा होती है। दोस्तों हमने जब स्वरों का विभाजन किया था तो हमने मात्रा या काल के आधार पर स्वर दो प्रकार से अध्ययन किए थे। पहला था हर्षव स्वर या लघु स्वर, या मूल स्वर या अल्प स्वर। ठीक, मूल स्वर हैं उनकी संख्या होती है 4, ए ई उ और रे। इनको बोलने में कम समय लगता है, अर्थात ये मूल स्वर हैं, इनको बोलने में कम समय लगता है, तो इनको हम कहते हैं हर्षव स्वर या लघु स्वर या छोटे स्वर। ऐसे छोटे स्वर जब हम छंद में करते हैं तो इन स्वरों पर हम एक या खड़ी पाई का निशान लगाते हैं, खड़ी पाई से इन छोटे स्वरों को प्रदर्शित करते हैं और उनकी मात्रा हम गिनते हैं 1। ये जो मूल स्वर है इनको हम खड़ी पाई से प्रदर्शित करेंगे और एक मात्रा गिनेंगे। इसके बाद में जो दीर्घ या फिर गुरु है बच गए 7, आ ई ऊ ए आई ओ और औ। ये 7 स्वर हैं, ये अपने आप में दीर्घ है और इन दीर्घ स्वरों में हम
अवग्रह चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, अवग्रह या फिर वक्र रेखा से प्रदर्शित करते हैं, और जब हम इनकी मात्रा गिनते हैं तो हम इनकी दो मात्राओं की गिनती करते हैं। मूल स्वर चार है, उनको हम खड़ी पाई से प्रदर्शित करेंगे और एक मात्रा गिनेंगे, और बाकी जो सात स्वर है वो दीर्घ स्वर या गुरु स्वर होते हैं, जिनको हम अवग्रह या फिर वक्र रेखा से प्रदर्शित करते हैं और दो मात्राओं की हम गिनती करते हैं। इसके अलावा कुछ और, ये तो हो गया मूल इनका विभाजन की खड़ी पाई लगाई हमने और इनकी मात्रा एक गिनी, और अवग्रह चिन्ह लगाया इनकी मात्राएं दो गिनी। इसके बाद में एक अतिरिक्त दो तीन बातें और हैं, जिन स्वरों के ऊपर अनुस्वार हो, अनुस्वार हो जिन स्वरों के ऊपर, उसे हम हमेशा अस या अवग्रह या वक्र रेखा से प्रदर्शित करेंगे और उनकी मात्रा गिनेंगे हम दो। जहाँ भी अनुस्वार जिस भी स्वर के साथ लगाया, चाहे वो दीर्घ हो या फिर लघु हो, इसको हम हमेशा ही एस या अवग्रह से प्रदर्शित करेंगे और उसकी मात्रा हम लगाएंगे दो मात्राएं। इसके अलावा बात करूँ मैं तो कि किसी द्वित्व या संयुक्ताक्षर वर्ण से पहले, किसी द्वित्व वर्ण या फिर संयुक्ताक्षर वर्ण से पहले हम अवग्रह या फिर वक्र रेखा से प्रदर्शित करते हैं और दो मात्राओं की हम गिनती करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको मैं समझा रहा हूँ, जैसे हमने शब्द लिखा है हैप्पी, हमें यह ध्यान नहीं रखना है कि द्वित्व वर्ण या संयुक्त अक्षर से पहले छोटा है या बड़ा है, जो भी हो हमें दो से प्रदर्शित करना है, क्योंकि यहाँ पर यह द्वित्व वर्ण है, इससे पहले वाला हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और बात करूँ मैं जैसे कुक्कड़, जैसे यहाँ पर मूल स्वर ओ की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसका एक होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद में हमारे पास संयुक्ताक्षर लगे हुए हैं, इस वजह से आपको सीधा ही वक्र रेखा लगानी है और इसकी मात्रा आप गिनोगे दो गिनोगे। तीसरा नियम इसका ये होता है मित्रों कि जिस भी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, अनुनासिक लगा हो, वह अपनी जो सेम स्थिति है उसी में रहता है। कि जिस जैसा कि यहाँ पर अहम मूल स्वर है, अगर चंद्र बिंदु से पहले इसको देखेंगे तो यह क्या होता है, एक होता है, खड़ी पाई होता है, लेकिन इसके साथ में अगर हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वह अपनी जो हूबहू स्थिति है उसी में रहता है, हम उसकी मात्रा एक ही गिनते हैं। और इसके अलावा जैसे आ स्वर दीर्घ है, इसकी हमने अवग्रह चिन्ह से प्रदर्शित किया और उसका हमने मात्राओं की गिनती दो की, लेकिन जब इनके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है तो वह अपनी जो हूबहू स्थिति है उसी में रहता है और उसकी मात्रा दो होती है। अर्थात कह सकते हैं कि चंद्र बिंदु हर्षव और दीर्घ पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, वो अपनी हूबहू स्थिति में रहते हैं। ये तो था हमारी मात्राओं का वर्गीकरण कि किस प्रकार से हम छंदों के ऊपर मात्रा लगाएंगे और किस प्रकार से हम गिनती करके उसको उनकी जो भी वर्ग है उन वर्गों में डिवाइडेशन करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं चरण या फिर पाद कि क्या होता है चरण या फिर पाद, दो नाम है इसके, एक तो पाद या फिर चरण, कि किसी भी छंद का एक दल पूरा करने के लिए दो चरण होते हैं। किसी भी छंद को पूरा करने के लिए, एक दल को पूरा करने के लिए हमारे पास दो चरण मौजूद होते हैं। यहाँ अर्थात कह सकते हैं कि जिस भी गति के साथ एक छंद बोला जा रहा है, जहाँ पर हम पहला विश्राम देते हैं उस पहले विश्राम को हम कहते हैं चरण, और यहाँ पर चरण हो गया और उसके बाद में एक चरण और दोनों चरणों को मिलाने से एक दल का निर्माण होता है, यही दूसरा दल होता है। दल की परिभाषा ये होती है कि प्रत्येक दो चरणों या दो पादों को मिलाकर एक दल का निर्माण किया जाता है। अगला ये रहता है कि दल क्या होता है, कि प्रत्येक दो चरण को मिलाकर एक दल का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में मैं बात करूँ कि गण क्या होता है। अगली बात हमने ये लिखी थी कि गति, यति, लय, मात्रा, स्वर और पाद, दल, और इसके बाद में लिखा था हमने गण,
कि गण क्या होता है। तो मित्रों, गण होता है वर्णिक छंदों में गणों की गणना है वो की जाती है। तो प्रत्येक तीन वर्णों के समूह को, प्रत्येक तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। प्रत्येक तीन वर्ण होंगे, उन तीनों जो वर्ण हैं उनको हम गण कहेंगे। और गण केवल और केवल वर्णिक छंदों में ही काम आते हैं, वर्णिक छंदों में काम आते हैं। तीसरी बात, कोई भी हल युक्त वर्ण हो, कोई भी आधा वर्ण हो, वह गण की गिनती में नहीं आएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर तय आधा लगा हुआ, यह गिनती नहीं होगी। यहाँ पर एक 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 यानी तीन वर्ण है और तीनों वर्णों का एक गण बन जाएगा। कि बीच में कोई भी हल हो या फिर आधा वर्ण मिलता है तो वह वर्णों की गिनती नहीं होती, अर्थात वो गणों में अपना हिस्सा नहीं छोड़ते हैं। और इनकी बात करते हैं हम, हमारे जो छंद शास्त्र है हिंदी साहित्य का, उस छंद शास्त्र में आठ गणों की संख्या होती है। हमारे हिंदी साहित्य में आठ गण होते हैं जिनका अध्ययन हम वर्णिक छंदों में करते हैं। सबसे पहले इन छंदों का अध्ययन करने के लिए हम इन छह गणों को याद करते हैं। और इस छह गणों को याद करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है और उस सूत्र से हमेशा ही इन गणों को हम याद करते हैं। सूत्र होता है हमारा यह, माता राजभान सलगा। सूत्र है हमारा यह, माता राजभान सलगा। और इस पूरे सूत्र में हमारे पास 10 वर्ण है। गणों की संख्या हमारी 8 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो है हमारे 8 गण। और L से हम प्रदर्शित करते हैं लघु को, जिसका निशान होता है एक या खड़ी पाई। और गा से हम प्रदर्शित करते हैं गुरु, जिसको अवग्रह या फिर दो गिनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यह होता है यह, त, मा, ता, राज, भा, न, स। अब होते क्या है ये, प्रत्येक वर्ण को हम उठाएंगे और इसके पीछे हम गण जोड़ते जाएंगे। प्रत्येक वर्ण को उठाएंगे और इसके पीछे हम गण जोड़ते जाएंगे। सबसे पहले हमने यह उठाया है और यह के पीछे हमने जोड़ दिया यगण। मा उठाया और इसके पीछे हमने जोड़ दिया गण, मगण हो गया। ता उठाया और उसके पीछे हमने जोड़ दिया तगण। इसी प्रकार से रा उठाया जिसका हो गया रगन। इसी प्रकार से हमने जय उठाया और जिसका हो गया जगन। और यहाँ से उसके बाद में हमने उठाया भा, जिसका हो गया भगन। और न से नगन। और इसके बाद में स से सगन। और अंत में जो ल आता है उसका मतलब होता है लघु। और सबसे लास्ट में गा आता है जिसका मतलब होता है गुरु। नाम हो गया इनका यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ये आठ लगातार होते हैं हमारे पास गण। इसके बाद में इनकी मात्राएं हम कैसे लगाते हैं कि एक गण बनने के लिए इसमें कितनी मात्राएं हैं। यहाँ पर एक है तो एक लगेगा अवग्रह चिन्ह। यहाँ पर आ की ध्वनि दो, यहाँ पर आ की ध्वनि दो, आ की ध्वनि दो, एक की ध्वनि एक। यहाँ पर भा है, दो लगेगा, एक 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 और दो। इस प्रकार से हम यह, माता, राज, भान, सलगा पर भी अपनी जो मात्राएं हैं उनको लगा लेते हैं। और जहां से हम वर्ण शुरुआत करें उससे आगे वाले हम तीन वर्ण लेते हैं। कि यगण की मात्रा लगाने के हम तीनों वर्णों की मात्राओं काउंट गिन, छोटी, बड़ी और बड़ी। इसके बाद में हमने मा उठाया है तो मै के बाद में तीन उठाते हैं, बड़ी हो गई, फिर बड़ी, फिर बड़ी। इसके बाद में ता, ता से तीन, बड़ी, बड़ी और छोटी। इसके बाद में ता के बाद में राज भा, राज भा में क्या हो जाएगी, बड़ी, छोटी, फिर बड़ी। इसके बाद में यहाँ से जयभान, जय, भा, न, छोटी, बड़ी, छोटी। इसके बाद में भय से अले तीन, भानस हो जाएगा, भानस का हो गया, बड़ी, छोटी और छोटी। इसके बाद में नगण, इसके बाद में नय से नगण के बाद में तीन, न, स, ल, यानी तीनों ही छोटी हो जाएंगी।
इसके बाद में न के बाद में आता स, स से सगण, छोटे छोटे फिर बड़ी, और ल से हम एक गिनते हैं जिसकी खड़ी पाई, और गुरु से हम गिनते हैं दो। मित्रों कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि यगण होता है, यगण सर्वगुरु होता है, अंत लघु होता है, आदि लघु होता है, आदि गुरु आदि लघु, ये हम इनका नामकरण करते हैं। तो हम देखेंगे इनके नामकरण में, तो यहाँ पर जो कॉमन चीज़ है, जो एक चीज़ प्रदर्शित हो रही है, सारे एक जैसे प्रदर्शित हो रही है, उसी से नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आदि, आदि का मतलब पहले, आदि यहाँ पर लघु है, छोटा है, तो इसका नामकरण हो जाए यगण का आदि लघु। इसके बाद में तीनों चीज़ कॉमन है, इसका मतलब सर्व गुरु हो जाएंगे, तीनों ही बड़े हैं। यहाँ पर अंत में लघु हो जाएगा, और इसके बाद में बीच में है यहाँ पर, यानी मध्य लघु हो जाएगा, यहाँ पर बीच में यानी मध्य में गुरु है, और यहाँ पर आदि में गुरु है, और यहाँ पर सर्व यानी सभी है वो लघु है, सर्व लघु हो जाएगा, और यहाँ पर अंत में गुरु हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इनका नामकरण कर लिया है कि पूछा जाता है कि रगण होता है मध्य लघु, रगण होता है मध्य लघु, मगण होता है सर्व गुरु, जिसकी मात्राएं तीनों बड़ी हो वो सर्व गुरु होता है। इसके बाद में इनका प्रभाव क्या होता है, इनका प्रभाव होता है जो आदि लघु है वह अशुभ माना जाता है, सर्व गुरु है वह भी अशुभ माना जाता है, और यह भी अशुभ माना जाता है अंत लघु, और इसके बाद में शुभ माना जाता है, यह भी शुभ माना जाता है, और इसके बाद में यह भी शुभ अशुभ माना जाएगा, और इसके बाद में यह शुभ, और अंतिम है वो यह माना जाएगा अशुभ। इस प्रकार से जो यगण मगण तगण रगण है इनका प्रभाव ये होता है कि अशुभ शुभ या शुभ, परीक्षा में पूछा जाता है कि यह शुभ है या अशुभ है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके सामने ये आपको जो सारणी बनाई गई, आप नोट्स में भी इसको उतार सकते हैं, इनका प्रभाव ये होता है। अब यह जो पूरे जो सारणी है केवल और केवल यह हमारे काम में आती है वर्णिक छंदों में, यह पूरी साम जो आपको सारणी दिखाई दे रही है यह वर्णिक छंदों में काम में ली जाती है। हमने छंद की परिभाषा की थी कि ऐसी रचना जिसमें यति गति लय मात्रा पाद दल और गण इन नियमों को पूरी करने वाली रचना को ही हम छंद कहते हैं। तो हमने इन सभी को डिटेल से अध्ययन किया है, यह हमारी जो छंदों की मुख्य रूप से पृष्ठभूमि हमने आज तैयार की है। अगला वीडियो इसके बाद में जो छंदों का वर्गीकरण है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।